नमस्कार मित्रों, तो अभी हम लोग आ गए हैं लाल किला, और लाल किला पे हम लोग घूमने जाएंगे। देखिए पीछे की तरफ लाल किला दिख रहा है, और उसके अंदर भी चलेंगे हम लोग और घूमेंगे भी। ये देखिए झंडा फहर रहा है लाल किले पे, और पूरा लंबा है वहाँ से। ये सामने जो दिख रहा है वो मैदान है जिसमें रामलीला होता है, और देखिए, और ये लाल किला के बगल में इसमें पानी भरा रहता है, अभी खाली है। और सामने सब चाइनीज लोग है ये लोग। हम आपको लाल किला घुमा रहे हैं, आप देखिए और लाल किला का मजा लीजिए। क्या स्टिक का ले रही हो सब? स्टिक ली हो? देखो स्टिक खरीद रही है और स्टिक से फोटोग्राफी कर रही है। लड्डू कहाँ गया? टिकट लेने गया। कहाँ पे? कहाँ? अंदर जाने के लिए? नहीं, क्या कर ले रहे? तो मित्रों अंदर जाने के लिए टिकट लेने गया है लड्डू, और फिर हम लोग टिकट लेने के बाद अंदर भी चलेंगे और अंदर का भी दृश्य से रूबरू कराएंगे आपको। तो आता है लड्डू। फाइनली मित्रों टिकट मिल गया और हम लोग अंदर घुस चुके हैं वहाँ से पीछे से। और इसमें अंदर मोबाइल मिल जाता है ना? हम लोग इधर थे, अब यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। तो फाइनली मित्रों हम लोग अंदर आ चुके हैं, अब आइए अंदर का दृश्य से रूबरू कराते हैं आपको। चलो रे जल्दी जल्दी। सामने से आपको दिखा रहे हैं हम, ये अंदर में माँ का मूर्ति जो यहाँ पे पूजा पाठ ये लोग करते हैं। जय माता दी। ये लोग इधर लगे हैं फोटोग्राफी में अपना तीनों, और हम लगे हैं अपने ब्लॉग में। तो कैसा लग रहा है आपको लाल किला? अभी चलिए अंदर लेके चलते हैं आपको। अब चलते रहो तो अब कितना फोटो खिंचवाएगा अंदर भी। मित्रों ये मेन गेट लाल किला का, जिसके अंदर हम लोग यहीं से प्रवेश करेंगे। और ये सामने से लेके चलते हैं, और ये देखिए तोप लगा हुआ है यहाँ पे। ये मिल गया तोप, नकली है मगर तब पर भी मस्त है। और हम लोग लाल किला में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत हवा लग रहा था। और ये देखिए सामने से आपको दिखा रहे हैं अंदर का दृश्य। ये देखिए ये गेट जहाँ से हम लोग अंदर आए हैं, और वहाँ से फिर अंदर जाने का रास्ता जो सामने दिख रहा है आपको गेट। अंदर का दृश्य ये देखिए। और ऊंचा वो झंडा दिख रहा है आपको, झंडे के हम लोग नज़दीक हैं। और वहाँ से चढ़ के हमारे प्रधानमंत्री जी ऊपर जाते हैं, और वहाँ पे जो डंडा दिख रहा है आपको वैसी पे झंडा फहरता है। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग अंदर लाल किला के अंदर। और बहुत ही देखिए कितना ऊंचाई है, झंडा ऊपर दिख रहा है। बहुत हम लोग लाल किला के अंदर, और इधर भी दुकानें, यहाँ पे भी दुकानें लगी हुई हैं। कुछ दिख रहा है, ये देखिए लाल किला के अंदर बहुत खूबसूरत हवा भी लग रहा है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि पुरानी यादें।
ये देखिए पर्स, बहुत सारी दुकानें भी इधर लगी हुई हैं। लाल किला के अंदर जब आप आएंगे, अनेकों साल चौदर चूड़ी वल्ला देख सकते हैं आप, चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। और इधर एक बहुत ही खूबसूरत शॉप दिखा जिसमें हम लोग वहाँ से अंदर आए हैं, काफ़ी भीड़ है और यह काफ़ी दुकानें हैं। और फिर इधर जाएंगे हम लोग, इधर भी पार्क है और इधर भी पार्क है। कहाँ थे तुम लोग? खोज रहे थे हम। ये सब पार्क है दोनों तरफ, दोनों तरफ पार्क। तो यहाँ का आनंद ही कुछ और निराला है। एक से एक गड़ी गई चीज़ें भी बिक रही हैं, देख सकते हैं चारों तरफ। अब आ गए हम लोग इधर पार्क में, बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा पार्क है देख सकते हैं। और इधर पार्क है, क्या चीज सेंट्रल सेक्रेटरिएट में ही घूमे साथ में, यही तो कहाँ घूम पाएंगे पता नहीं क्या है, क्या चीज का भीड़ है देखते हम। जमीन का स्तर जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, 18वीं सदी के मध्य से किले का जमीनी स्तर बदल गया है, फ्लोर लेवल। अच्छा पहले वहाँ था, नीचे था, अभी थोड़ा सा लेवल उठ गया है वहीं। अरे जमीन नीचे था, ठीक है, अब ये लेवल इस लेवल का आ गया है, तो वहीं लिखा हुआ है जमीन का स्तर जैसा कि, बस और क्या है, और कुछ नहीं। पार्क है, ये जो पीछे दिख रहा है यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे उनका सभा लगता था, आपको सामने से दिखा रहे हैं हम। भाई लट्टूट काबिल बा, ये देखिए यहाँ पे ये दरबार है जहाँ पे राजा जी का सभा लगता था, और आपको दिखा रहे हैं नज़दीक से। पूरे शीशे से पैक करके रखा गया है इसको। Thank you.
रंग महल, रंग महल मुमताज महल जो कि सामने है, चलिए वहाँ चलते हैं। रंग महल की तरफ चलेंगे और इन लोग का मेमोरी फुल नहीं हो रहा है, अभी तक फोटो बहुत सारा खिंचा चुका है और हम लोग चलते हैं रंग महल की तरफ। उधर क्या है? मुमताज महल। अच्छा, उधर मुमताज महल। और ये पार्क का एक बहुत खूबसूरत नज़ारा भी है इधर, लेकिन पानी बंद है उसमें। मस्जिद है वो। और ये पार्क है ना, पानी वाला, पानी वाला। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रंग महल के पास और आइए आपको दिखाते हैं हम रंग महल का नज़ारा। थोड़ा सा और सामने से आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, हम देख सकते हैं इधर राजा लोग और इधर रानी लोग और बीच में रंग महल मतलब नृत्यांगना नृत्य करती थी। और ये सामने दिख रहा है आपको मित्रों, ये बंदी गृह है, इसमें कैदियों को रखा जाता था। बादशाह का निजी महल था। इस महल के तीन भाग हैं, तीनों कमरे समूह जो दीवाने खास की तरफ है। तसीब खान प्रार्थना कक्ष के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था, जिसमें बादशाह जो थे अपने, देखिए यही वो दृश्य है। और आप देख सकते हैं मित्रों, दीवाने खास शाह महल के नाम से भी जाना जाता था। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। मेहरबार दरबार प्रवेश युक्त इस इमारत के मध्य में एक आयतकार कक्ष है जो कि स्तंभों पर आधारित है, और श्रृंखलाबद्ध मेहरबानों से बना है। इन स्तंभों का इजारा शिलापीठ पुष्प योजना के अलंकृत है। इसके ऊपरी हिस्सा प्रभाकारी एवं चित्रगुण युक्त है। छत के चारों कोनों पर स्तंभ युक्त छत्रियां हैं। कक्ष के मध्य में स्थित संगमरमर की चौकी पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिससे सन 1739 में नादरी शाह अपने साथ ले गया। कक्ष के मध्य से नहर ए बहिष्त बहा करती थी। उत्तरी और दक्षिणी दीवारों के कोनों के मेहरबानों के ऊपर किनारों के नीचे अमीर खुसरो की नज्म अंकित है। धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो आप मित्रों देख सकते हैं, आपको हमने दिखाया लाल किला में, और ये जो पीछे दिख रहा है ये राजाओं का विश्राम कक्ष भी कह सकते हैं, और ये उनकी मतलब पर्सनल जगह थी जहाँ पे वो प्रार्थना करने के लिए भी आते जाते थे।
ये तीनों कक्ष जो भी वहाँ से आपको दिख रहा है, तीनों कक्ष तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और नीचे नीचे भी राजा यहाँ पे आ जाते थे। और ये जो पीछे की ओर दिख रहा है ये मस्जिद, जो कि सामने से दिखा रहे हैं हम आपको, मोती मस्जिद है ये। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपनी निजी उपयोग के लिए करवाया था। विभिन्न प्रहरों में इबादत करने के लिए उसको अपने शयन कक्ष से केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। इस मस्जिद का उपयोग शाही घराने की महिलाओं द्वारा भी किया जाता था। इसकी उत्तरी दीवार में मौजूद रास्ते में यहाँ पहुँचा करती थी। यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है। इसमें प्रवेश के लिए पूर्वी दिशा में एक मेहरबान प्रवेश द्वार है, जो कि तांबे के पत्थर से मढ़ा है। मस्जिद का आंगन चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। यद्यपि इसका बाहरी भाग लाल बलुई पत्थर के आवरण से युक्त है, किंतु इसका आंतरिक स्थापन पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना है। मस्जिद के इबादत खाने का फर्श काले संगमरमर की पट्टियों से अलंकृत है। मुसल्लों नमाज अदा करने के लिए प्रयुक्त छोटे कालीन का प्रतिरूप से सुसज्जित है यह, एवं यह आंगन से ऊंचे स्थान पर है। मुख्य कक्ष के ऊपर तीनों गोलाकार गुंबद है, मूलतः तांबे के पत्थर से मढ़े हुए थे। आंगन में फवारे युक्त और हौज वजू इबादत से पूर्व हाथ पैर धोने का हौज स्थित है। और ये इनार है, इसको चारों तरफ से घेर दिया गया है। जहाँ तक उम्मीद है कि पहले के बादशाह लोग यहाँ से पानी का यूज करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में तो कल समरसेबुल नहीं हुआ करता था। थोड़ा सा यहाँ पे हम आराम कर रहे हैं, और लाल किला का दृश्य तो आपको दिखा ही रहे हैं हम, और बहुत बड़ा है। हमको लगता है कि हम इस वीडियो में फाइनली आपको पूरा चीज़ नहीं दिखा पाएंगे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, जितना हो सके कोशिश रहेगी हमारी कि आपको पूरी वीडियो से रूबरू कराएं हम। और बहुत गर्मी भी है और बहुत धुपा भी है। अभी तो मैं पेड़ के छांव में, इसीलिए कहा गया है कि पेड़ बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, पेड़ की छांव में थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और उधर बहन भाई और मेरी वाइफ फ़ोटो का मजा ले रहे हैं। और ये इनार का दृश्य दिखा है पीछे, तो दिख ही रहा है वो सब। इधर जो है ये पार्क का माहौल था, जहाँ राजा अपनी आया करते थे। और चलिए आगे लेके चलते हैं आपको, बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। देख सकते हैं आप चारों तरफ अभी कुछ देर पहले मस्जिद के बारे हमने बताया ही आपको। फाइनली मित्रों हम लोग चल रहे हैं अभी जिधर रानियां लोग रहती थी, और उधर अभी हम लोग उधर ही चलेंगे। और आइए आपको सामने से दिखाते हैं फिर। और हमको लगता है कि यहाँ पे सब रानियां सब बैठती उठती होंगी।
गाइड अच्छा रहेगा गाइड के साथ। शाहजहां के जीवन काल में भारत और विश्व में क्या हो रहा था, चलिए मित्रों हम लोग इसके अंदर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अंदर में क्या है। यहाँ पे कोई कुछ कह रहा है, हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या है। यहीं से घुस है, कहाँ से घुसे के बाद? अच्छा वहाँ से, हाँ ये दरवाजा है, ये सामने से दिखाते हैं और ये मेन दरवाजा, यहाँ से हम लोग घुसते हैं। हेलो, कहाँ गई सर? कहाँ?
क्या हुआ? कहीं भी बैठ जाए जरा, बाहर बैठा जाए, यहाँ बैठा जाए। चार वाले चली ना फिर? ये भी तो चार वाला है, दो वाला है। फाइनली मित्रों, बहुत थकने के बाद लाल किला के अंदर भी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और साथ में मेरी गर्लफ्रेंड बोलिए इसको, वाइफ कम गर्लफ्रेंड ज़्यादा है क्योंकि झगड़ा बहुत ज़्यादा करती है। तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट बैठे हैं, देखिए उधर भी सारे लोग, और सिस्टर गई है ऑर्डर के लिए, देखते हैं क्या ऑर्डर करती है और उसके बाद हम लोग खाएँगे। खाने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं फिर कहाँ मिलते हैं आपसे। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ और आपको दिखाएंगे क्या मिलता है रेस्टोरेंट में। तो फाइनली मित्रों, हम लोगों ने मंगवा लिया है डोसा और बिरयानी, और हम लोग खाएंगे जम के यहाँ पे। और देखिए वो डोसा खाएंगे और हम लोग दोनों आदमी बिरयानी खाएंगे, इधर ये भी डोसा खाएंगे, कुलचे मिले नहीं इसके प्यारे डिश। तो चलिए हम लोग भी खाते हैं, और आप अगर नज़दीक है तो आप भी आ सकते हैं, मैं आपको भी खिला सकता हूँ, लेकिन जल्दी आइएगा खाने से पहले। ओके, खाने फिर मिलते हैं आपसे खा के। हाँ, वो भी चावल खा लेंगे, पूरी भी खा लेंगे। हम अपना चावल किसी को नहीं देंगे, भले हम किसी का डोसा खा सकते हैं। तो हम लोगों ने भोजन कर लिया है, और ये जो पीछे दिख रहा है यही रेस्टोरेंट है लाल किला के अंदर। जब आप अंदर आएंगे तो इसमें बहुत मस्त रेस्टोरेंट है, आपको भूख लगता है घूमते घूमते तो आप खा सकते हैं। देखिए पीछे की ओर, अब हम निकलेंगे बाहर की ओर। आप लोगों को तो मैंने पूरा लाल किला घुमा ही दिया, अब आइए सामने से दिखा रहे हैं आपको। Thank you.
मुसलमान ही था लोग वही तो बोल रहे हैं कि सारा का सारा ये अलग है क्या फाइनली मित्रों हम लोगों ने आपको दिखाया, बहुत छुपे छुपे वीडियो बनाना पड़ा है क्योंकि इसमें मोबाइल ले जाना मना है, लेकिन हमने कोशिश की आप लोगों के लिए वीडियो बनाना और हमने बना भी लिया और बहुत अच्छा लगा अंदर का दृश्य। तो आपको भी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। और काफ़ी चीज़ें इसमें भी अच्छे तरीके से हमने नहीं दिखा पाया क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था वीडियो बनाना, फ़ोटो खींच सकते थे आप,
तो कुछ चीज़ों का जो मैंने वीडियो नहीं बना पाया उसका फोटोग्राफ खींच भी लिया है, और मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यही म्यूजियम है और आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, आगे बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, और चलिए आइए आगे आपको लेके चलते हैं वीडियो। यही जो सामने दिख रहा है यही म्यूजियम है, और आप यहाँ सीढ़ी है और सामने जो आदमी का दिख रहा है भीड़, वहाँ से टिकट मिलता है जहाँ से आदमी निकल रहे हैं, टिकट लीजिए और म्यूजियम का भी मज़ा लीजिए आप। अब हम लोग फिर से बाहर की ओर, लाल किले में पूरा दिन हम लोग घूमते रह गए, अब हम लोग बाहर की ओर चल रहे हैं। ये देखिए शाम का समय है और पूरा बाजार, है है खुशबू। फाइनली मित्रों हमने आपको लाल किला पूरा घुमा दिया, और ये देख सकते हैं आप बड़ा बड़ा दीवार इसके अंदर हम लोगों ने गया था, और आपको रूबरू कराएं हम लाल किले से। और अब यहाँ पे लाल किला का कहानी ख़त्म होता है। आप लोगों ने ब्लॉग में अगर देखा तो अगर जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो उसको लाइक कमेंट के द्वारा आप बताइए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैलेस पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। जय हिंद जय भारत।